हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले 130 चैलेंजेस, मगर हम लोग ये पार्ट टू है। बाय द वे, पिछली वीडियो में हम लोग आपने देखा जहाँ मैंने कहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होगी अगली वाली, और उस वीडियो में बहुत क्रेजी थी, और लेकिन अब ये वाली वीडियो उससे भी ज़्यादा क्रेजी होगी, और ये बस उसका पार्ट टू है। उसका पार्ट थ्री जो है जल्दी डाल दूंगा मैं, और अभी पार्ट टू में हम लोग काफ़ी सारे इम्पॉसिबल चैलेंजेस करने वाले, जो कि अभी 130 में से हमने सिर्फ 31 ही कंप्लीट किए। जी हाँ, मैंने 31 ही किए, लेकिन आप इन सभी पार्ट्स को कंटिन्यूअली वॉच करते रहिए, और इसके तीन पार्ट की एक्चुअली ओरिजिनल वीडियो जो है 60 मिनट की, तकलीफ मेरे को बार बार पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा देख लो, और अगर पार्ट वन को देख के आए हो तो थैंक यू भाई, पार्ट वन को प्लीज़ देख लेना इससे पहले इस वीडियो को, अगर आप देखने आए तो आप पार्ट वन को पहले देख लेना, नहीं तो इसी को देख के जाओ और क्या कौन सा। लेकिन और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन इनेबल कर देना, क्योंकि पार्ट थ्री जो है इन दोनों से 1000 गुना ज़्यादा क्रेजी होने वाला है भाई, मैं बता रहा भाई, बहुत ही इंटेंस होने वाला, बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग 130 स्किल्स को कंप्लीट चैलेंजेस को कंप्लीट करने वाले, तो ऑब्वियसली बात है बहुत, और इसमें मैं काफ़ी सारे इम्पॉसिबल चैलेंजेस ट्राई करूँगा, सच एज डूइंग नो आर्मर, लाइक बहुत कुछ किया है हमने तो वॉच टिल द एंड टू फाइंड आउट क्या क्या हुआ है, एंड लेट्स बिगिन। रेडी हो जाओ गाइस, क्योंकि अब आने वाला है बेस्ट वीडियो। क्या नो सेकेंडरीज यूएचसी? आपको ना पता हो तो यूएचसी जैसे किट में लावा बकेट ये सब सेकेंडरीज होते हैं, लाइक कॉबर वॉबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं ये सब का यूज़ नहीं करने वाला, मैं सोर्ड और एक्स इसी इन्हीं वेपन्स के दम पर लड़ूंगा और गोल्ड पर, तो मैं सेकेंडरीज का यूज़ नहीं कर सकता, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। बट इस बंदे बंदा पता नहीं सोच रहा था अपने को क्या ही, ब्लॉक प्लेस क्यों ही करता है यूएचसी में, समझ में नहीं आता, सोचते कि लूट बच जाएंगे बट कोई फ़ायदा ही नहीं होता, बस बस मैं मीले कर सकता हूँ, क्योंकि इतने यूटिलाइज कर मैं मीले कर सकता हूँ, बस ओह माय गॉड दिस क्रेजी। ओके ओ भाई, बंदे इतने लंबे देर तक कैसे भाई, बंदे की मैप पर ला के यहाँ पे भी आ जाते हैं, मर गया, लेट्स गो। अब आ रही आते हैं हमारे आगे चैंक, जो कि 9 मिले वेपन सब हम सारे मिले वेपन को हटा देंगे, बस पीछे हमने सारे, अब हम लोग की रेंज जी सकती है, बस ये चैलेंज ऑलमोस्ट बहुत हार्ड है, सारे मिले वेपन को हटा चुका, देख लो भाई, और क्या ही बोलूँ, बोस्ट टाइम बहुत ज़्यादा मारा, बट क्या बोलूँ भाई, एक्सट्रीम नेट पे ऐसे बेकार प्लेयर्स होते हैं भाई, क्या बोल, जो आप करोगे वही करेंगे लोग, वह बोस्ट वो का यूज़ करोगे तो वही सेम करेंगे, बहुत अनोइंग बंदे होते हैं, खासकर हिट करें, हिट लगे या ना लगे, इनको एम से मतलब नहीं है, ना ना ना, हर बार जंप करके हिट मार रहे हैं, हर बार सोचते पता नहीं इनको यही स्किल लगता है, चाहे कैसा भी हिट मार, हिट पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जंप करके हिट मार ताकि क्रिट हो सके, और इसी में ये बंदे बुरी तरीके से हार जाते हैं, और भाई मेरा राउंड इनके साथ बहुत लंबा जा रहा होता है, और क्या ही वो मेरा बार बार लावा पकड़ की वजह से मेरे को लावा पकड़ की फूक दिख रही थी, और बूस्ट स्पैम भी करना बेकार ही था, अपोनेंट भी बूस्ट स्पैम करने लग जाता है, बहुत अनोइंग होता है, मैं लावा पकड़ में कुछ मैं यूएचसी में नहीं यूज़ करता यूटिलिटी, सही बता रहा हूँ मैं एक्चुअली, और बंदा भी पूरा सेम कॉपी क्लोन बनने लगता है, सेम भाई भाई मैं जो चीज़ नहीं यूज़ कर वो तो क्यों यूज़ कर रहा है भाई, तो मैं जो चीज़ मेरे को यूज़ कर वो तू क्यों यूज़ कर रहा है, और क्या है भाई, बार बार यही प्रॉब्लम, मैं हिट मिले का फाइट पर जा ही नहीं सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं डायमंड राउंड को हाथ से मारूंगा तो मैं दूर से ना मारूंगा, एंड बिल्कुल भी मैं उसके साथ हैंड टू हैंड में जा नहीं सकता, तो मेरे को जितना करना है पूरे, और बार बार ये बग्स भाई क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओ भाई तू ब्रिशिल्ड तक नहीं हटा सकता, वो क्रॉसबो है बट मेरे पास क्रॉसबो मेरे को बचा रहा है इसलिए, ओ नो क्या हो गया मेरे साथ, वही बात मेरे को बाद में समझ में आता है, बोर्ड क्रॉस बोर्ड शील्ड बार बार अप हो जाए तो मेरे को बाद में समझ में आ गया, बस मैं उतना यूएचसी नहीं खेलता, गोलू अच्छा खासा खेलता है यूएचसी, वो कॉम्बो ये चैलेंज जितना इजी लग रहा है बहुत हार्ड है एक्चुअली, मुझसे कुछ बो से कॉम्बो करना लाइक कुछ, आप बो से बो हिटिंग कर सकते हो, तो बो से किसी बंदे को अच्छी हाइट तक उड़ाना जो कॉम्बो लॉक होता है वो करना, दोनों डिफरेंट है, ये बहुत हार्ड है, देख लो अभी थोड़ा सा तो, अगर आप ध्यान से देखो धीरे धीरे करके थोड़ा सा एबव है, देखे देखा 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 थोड़ा सा एबव है, एक सेकंड वो मार ही गया, चलो मैं दोबारा ट्राई किया जाए, हमने लीजिए जैसे इसमें मार के देखो, बंदा बार बार मर जा रहा था, ओके बहुत एग्जैक्ट टाइम पर बो रिलोड होने के, देखा थोड़ा सा ऊपर गया, ये मैं बोल रहा कि थोड़ा सा जो ये नॉर्मल बो हिटिंग से नहीं कर, और ये चैलेंज बहुत हार्ड होता है,
वो बी बी इसके लिए मैटर करते हैं, हालांकि वो बी बी खेलता नहीं, बट मेरे वो बी बी में कितनी स्किल है ये प्रूव करता है ये। और इसमें दिख रहा है कि वो डायरेक्ट कॉम्बो कर पा रहा, और इन वेंडिकेटर्स को मैं तब से बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहा हूँ, तभी से इन्हीं वेंडिकेटर्स से मैं सारे चैलेंज कर रहा हूँ। और वो स्वयं सर्वर में तो अजीब ही लगेगा। ओके एलिवेटर कॉम्बो, यू बोथ हैव कॉम्बो हीज एंड, अच्छा मैं समझ गया इस चैलेंज को, मैं कॉम्बो को मैं जानता हूँ। वो ये एक्चुअल में जित दिमाग ब्लो कर देगा ये कॉम्बो, लाइक दिमाग मेरा भी ब्लो कर दिया एंड आपका, मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा था मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, बट जो हुआ कॉम्बो वो इतना क्रेजी था। देखो यहाँ पे गोरू भी आ गया, हम दोनों दूसरे हिट कर रहे हैं उतना, इसमें सीपेजिंग भी परफेक्ट ऐसे, कोई ज़्यादा सीपेज कर देगा तो बंदा उड़ के रीच से चला जाएगा। बहुत हार्ड था, देख रहे हो उड़ आते हैं ये, बिल्कुल कॉम्बो वाटर कॉम्बो। लेकिन अभी तो मैंने एलिवेटर कॉम्बो किया, ये आई थिंक मैं कर लूँगा इजली से, लेट्स ट्राई। मैंने इसे हिट किया, मैंने की फिटिंग करना है, एक और हिट 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 हिट। ओके ओ नहीं, ओके मेरा लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वाड टैप, जो समझते हैं क्वाड ट्रिपल टैप करते जब लगातार बहुत सारे एनिमेशन फोड़ते, बहुत सारे मैं चार ही एनिमेशन फोड़ते विद परफेक्ट, ऐसा नहीं कि हज़ार का हिट मार दे बंदो फ्लाइट में सेंड हो जाए, मारना है मल्टीपल टाइम पॉप करना है, बिकॉज मैंने एक दो बार देखा है हैकर्स जो कि डबल टैप जैसा, डबल टैप जैसा कि मार ही दे डायरेक्ट। ओके ओके इस बंदे में क्वाड टैप हो चुके। रॉकेट क्रिस्टल, या ये क्रिस्टल इसे बोलते हैं रॉकेट क्रिस्टल, क्योंकि मैं करने वाला हूँ फर्स्ट, हमने बता दें तो रॉकेट क्रिस्टल को मैंने कोई डिफॉल्ट वनीला माइनक्राफ्ट में किया था, ये कोई क्रिस्टल टाइप है जिसको मैं सर्वाइव कर रहा हूँ करंटली विदाउट मारलो ऑप्टिमाइजर। ओके क्रिस्टल टाइप है, ओ नहीं टोटल स्पीड को बाद में देखें, पीपी भी तो अनोइंग है करना, मैं कर रोज करता है का एंड ये बता दूँ ये कोई मैंने चैलेंज किया ही नहीं, बेसिकली मैं खेल रहा था, मैं गोल खेल रहा था, तो मैं बोलता हूँ उसे भाई एक हैकर मिल गया, ऐसे रोज मिलते हैं हैकर एक्सट्रीम नेट पे, लेकिन भाई एक हैकर मिला है अभी नहीं, हैक दो अभी तो नहीं, अभी नहीं, अब देखो लो हेल्थ पोका कैसे मैं एंकर से भागता है, ये जादू जादू देखना जादू जादू स्पीड, माय गॉड बूस्ट हो रहा है तो ये कहां से बूस्ट हो रहा भाई, हैं भाई कहां से शक्ति आ गई, ओ भाई कौन कौन कैसे कैसे उड़ रहा है भाई, पता नहीं कैसे कैसे जेट पैक्स लगा लगा के उड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ओके। अरे भाई हैक से क्या समझ में, हैक से डायरेक्ट देख लो भाई, हैकर थोड़ा दी हैकर को मैंने मार दे, ये लोग क्या करेंगे, ओ भाई हैक लगा के कोई फायदा नहीं, सिर्फ रोज हैकर मिलता है, ऑटो हैक ऑटो टेलीपोर्ट है, कूदने वाला हैक तो सबसे फेमस है, कोई हैक होते हैक नहीं एक तो होता कि सब नेदराइट आर्मर लेके पहुंच जाते हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ, वो भी अनोइंग बताऊंगा किसी को नहीं पता, लेकिन स्ट्रीम लेटर से मैंने भी एक बार किया है, मैंने मैं भी क्रिस्टल किट लेके क्रिस्टल वालों को मारता हूं जो मैं एसएमपी किट लेके आते हैं। वेल एलिमिनेटर कॉम्बो इससे बहुत हार्ड था। अगला क्या है, एक्शन शील्ड, सो अच्छा एक्शन शील्ड क्या है, सोडन शील्ड होंगे, अच्छा समझ गया, ओके फुल हेल्प करने आ रहे भाई, समझ गए ये सब इसे पता है, ओके मैंने ये नहीं कर लूँगा। अब वेल मैं बताता हूँ क्या है, मेरे को चाहेंगे कि मेरे को एक्शन शील्ड के अंदर सिर्फ सोड शील्ड अलाउड टू यूज एंड मेरे को एक डैमेज नहीं खाना है जो कि बहुत हार्ड है, नो पोशन एब्सोल्यूट नो पोशन, स्ट्रेंथ स्पीड तक नहीं, लिटरली बहुत हार्ड है, ना स्ट्रेंथ स्पीड ना कुछ, और बस मेरे पास जो ओनली चीज़ होगी वो कि सोड और गैप पास, वैसे टोटम और एक्सपी बोटल भी नहीं अलाउड है, और यही चीज़ चैलेंज को इम्पॉसिबल बनाती है, लाइक मैं सोड और गैपल का यूज़ करता हूँ विदाउट नो, ना कुछ पोशन का ना टोटम का ना एक्सपी बोटल्स का, बस सोड एप्पल और आर्मर ऑब्वियसली, तो उन्हीं सब का मैं यूज़ करता हूँ, लाइक बहुत हार्ड चैलेंज है, मैं बता दूँ अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, एक ने एक बंदे ने किया है जो कि इस सिर्फ नो पोशन हीली पॉट्स वाला किया है। ओके 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 भाई मेरी इजी है भाई, तू अपने भाई मैं क्या बोलूँ, मुझे मेरी गलती नहीं, मैंने ऑलरेडी आर्मर वाले बंदे के कर रखे, कमेंट में मत बोलना कि भाई उसके बाद भी आर्मर, अब असली में बात आता है उसके पास आर्मर होता भी तो वो मेरा कुछ नहीं कर पाता, सोचो क्यों, ये देखो क्योंकि मेरे नो ही डैमेज चेक कर रहा है, ये देखो भाई बंदा जो भाई क्या कॉपी करे, मैंने आर्मर उतारा ये भी टाइम, मैं पहले एक्स का यूज़ कर रहा था ये भी सोड का यूज़ कर रहा था, अरे गाइस अपना स्टेट में नाम भी अनडिफीटेड लेजेंड है, अभी तो नाम बदले भी मैंने ना दो दिया ना अनडिफीटेड लेजेंड भाई, अभी तो नाम बदले, ओके क्रॉस बो वो सब यूज़ कर ले भाई, मेरे को एक हद तक का डैमेज नहीं होगा, ओके 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 नाइस नाइस, अरे
क्या भाई मर ही गया। नो पोशन एक्चुअली मैंने डाइट पर मैंने नो पोशन कर दिया। ये बहुत लंबा राउंड जाता है और बेसिक बात है ये चैलेंजेस जो नो पोशन वाला चैलेंजेस बहुत अगर उसके जैसे नहीं आता कोई बंदा थोड़ा सा अच्छा होता है उसके कंपेयर टू। और मैं काफ़ी अच्छे कॉम्बोज पुल आउट कर रहा होता हूँ ऑब्वियसली और एंड ऑफ गेटिंग मेरे कॉम्बोज भी क्योंकि उतने भी ओपी नहीं हो जाए मेरे स्पीड पोशन नहीं था तो ताकि मैं ईजी नहीं हो गए थे कॉम्बोज भी हार्ड हो गए थे और मेरा डैमेज क्योंकि बहुत लो था और ना मैं हील करने के बार बार दूर जाके गोल्डन एप्पल खाना कर कितना बड़ा हार्ड चैलेंज है भाई मैं एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है क्योंकि बहुत हार्ड है बट मैं काफ़ी देर तक अपनी मेरी स्किल को रिकॉर्ड ये बंदा भी जंप कर करके हिट करने का और यही 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 बेवकूफ़ी ने इसे मरवा दिया वैसे मैं जीत चुका था इस चैलेंज को भी। अरे इन्वर्टेड कंट्रोल नो टोटम्स नो एंकर नो क्रोसबो नो पिकैक्स कृष्ण बीबी का चैलेंज। इन्वर्टेड कंट्रोल्स ऐसे ही बहुत आते हैं रिवर्स कंट्रोल होते हैं जो कि आज तक मैंने खेला ही नहीं रिवर्स की जैसे कि आप समझ लो कि आप बिल्कुल आपके यहाँ आगे बढ़ोगे तो पीछे जाओगे पीछे बढ़ोगे तो आगे जाओगे इतना हार्ड हो जाएगा आपके लिए पूरा एक नया कंट्रोल हो जाएगा भाई आज तक आपने जो चीज़ खेला ही नहीं वो भी आपको आदत है ऊपर देखोगे नीचे देखोगे ऊपर से नो टोटम नो एंकर ये लिटरली चैलेंज ऐसा बना देता है कि मेरे अपोनेंट पर डिपेंड करता है अगर मेरा अपोनेंट बेवकूफ़ निकला तो चैलेंज बहुत ही बेचे गया वो क्रिस्टल के आगे वो गड्ढे के अंदर मेरे साथ साथ नहीं आया तो बट क्या बोलो गाइस मेरा अपोनेंट बेवकूफ़ नहीं था ये बंदा मेरे साथ साथ आ जाता है ना कि मुझे ऊपर ही जाता तो मैं जीत जाता चैलेंज बहुत ईजी बट गाइस ये बंदा क्रिस्टल करता है मैं हिट करता हूँ एल खत्म सोड एंड गोल्डन एप्पल्स हाई पिंग यूएचसी ओके तो यूएचसी के चैलेंजेस में बहुत हार्ड बस सोड और गोल्डन एप्पल यूएचसी जैसे शील्ड तक नहीं यूएचसी जैसे किट में इतना इंपॉर्टेंट है ये सब ओके एल्डर गार्डियन के साथ 1v5 विदाउट आर्मर ओके प्रैक्टिस के लिए हम ठीक के साथ स्टार्ट करेंगे वार्म अप के लिए बट आगे हम लोग 5 पे भी मूव ऑन करेंगे विदाउट आर्मर एल्डर गार्डियन के और मैं एल्डर गार्डियन के वो भी नहीं यूज़ कर सकता क्या बोलते उसे हाँ मैं ना आर्मर यूज़ कर सकता ना सोर्ड यूज़ कर सकता हूँ और ज़्यादा बहुत बहुत रिसोर्स नहीं बहुत कम रिसोर्स है मेरे को एल्डर गार्डियन जैसे पावरफुल 5 एल्डर गार्डियन के से बॉसेस को हराना है वो भी बॉस में ओके मैं आ जाता सबसे अनोइंग बंदे से मिलने ये बता बहुत अनोइंग पहले तो ये पता नहीं अपनी ब्रिजिंग इस टाइप के बंदे होते कि अरे भाई पीपी ड्यूल कर लो भाग रहा है ब्रिजिंग कर रहा है ब्रिजिंग अरे नीचे आ जाने से मैं गुस्सा आ जाता हूँ उसके मैं समझ जाता हूँ कि चैलेंज नहीं होगा इसके अगेंस्ट मैं इन्वेंट्री में सारा सामान के मैं यूज़ नहीं करता फिर उतर जाता था अभी वाह भैया बट मैं तुरंत उस कॉम्बो देना शूट कर देता हूँ जोर गैप लेकिन मैं चैलेंज स्टिल कम्प्लीट ही हो जाए देख लो इन्वेंट्री बहुत डिसमैनेज लग रही होगी तो मैंने निकाला था बट मैंने यूज़ नहीं किया भाई और ये चैलेंज काफ़ी हार्ड है ये बंदा बहुत ये पता है कुल लोगों में से एक है पता नहीं अपने आप को ये बंदा बिजी हो गया था ब्रिजिंग में भूल गया था बंदा मेमोरी लॉस्ट हो गई बेचारे की और हाई पिंग हो गया मेरा पिंग लॉस्ट हो गया वहाँ पर मेरा पिंग तो हमेशा हाई ही आता है आई डोंट नो व्हाई कभी का FPS पहले नहीं आते थे अब पिंग नहीं आते भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा ओके सोर और गोल्डन एप्पल ओनली बहुत हार्ड जाते हैं ओके ये ऐसे बंदा गया आई थिंक ये पिंग हो गया आई थिंक नहीं मैंने मॉडल यूज किया ओके यो चैलेंज कंप्लीटेड अब मैं करने पहले वाटर ब्रीडिंग पी लेते हैं बोट वोट की तो कोई ज़रूरत नहीं है और एल्डर ये तो बस मिडिल पार्ट था गाइस ये बात ये कि मिडिल पार्ट था क्योंकि अभी तो मेन हम आप लोगों ने फाइनल पार्ट नहीं देखा बिकॉज ये बस मिडिल पार्ट था पहले स्टार्टिंग हुई अब मिडिल पार्ट और तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप लोग मेरा ज्वाइन कर लेना और क्या वहाँ पे आपको बहुत कुछ स्नीक पिक्स मिलते रहेंगे और अब अगली वाली वीडियो में इससे भी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे बिकॉज अभी तो बस आपने देखा 31 ही तक हमने किए बिकॉज हम लोग 130 तक करने की 99 और चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 99 और चैलेंजेस सोचो गाइस अगली वीडियो के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब करके रख लो डिस्कॉर्ड में स्नीक पिक्स आती रहती है जिससे मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालता रहता हूँ और स्नीक पिक्स ऐसे ही आती रहती है जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी वीडियो आने वाली है और ये कहना चाहूँगा भाई लाइक करना सब्सक्राइब करना अपना फेवरेट पार्ट इस वीडियो का जोन सा भी है भाई कमेंट कर देना इस वीडियो का फेवरेट पार्ट सबसे ज़्यादा पार्ट पसंद कौन सा आया और क्यों आया भी लिख देना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे पसंद आया क्यों आया और अगला पार्ट के बारे में आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है इसे कमेंट कर दीजिए और डिस्कॉर्ड सर्वर में फिर से बोलो
डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे मैं अपना MLG मैप, टेक्सचर पैक, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। एक बहुत अच्छा टेक्सचर पैक और एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैप आपको देखने को मिल जाए, जो कि अभी मैं बना रहा हूँ। बाय द वे अभी पूरा बनाया नहीं मैंने, बस थोड़ा सा अभी बना रहा हूँ, एक पूरा कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बन रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। नहीं, बस दिसंबर में आ जाएगा वो मैप, आई एम श्योर। सब तो दिसंबर कभी भी क्या, मैं तो कह रहा हूँ दिसंबर में आएगा, इसलिए क्योंकि अभी दिसंबर में 5K भी हो ही जाएगा मेरा, 5K भी हो जाए, ऐड हो जाएगा। कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें से फ्री टाइम में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते रहता हूँ, ऐसे भी ऐड फ्री टाइम में ऐड कर लेता हूँ मैं। और यही मैं कहना चाहूँगा, बाय, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और Part 3 बहुत एपिक होने वाला है, बहुत कूल होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, एंड इन दोनों पार्ट से भी बहुत आगे। और ये दोनों, ये बस मिडिल है, और अभी तो आपने फाइनल पार्ट अभी देखा नहीं।